हाय गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, और मैं सुबह उठ चुकी हूँ एंड इट्स डे टू इन अलवर, और मैं तैयार हो चुकी हूँ बिकॉज बज रहे हैं सुबह के आई थिंक मम्मा क्या टाइम हो रहा है 9 ओ वाओ अभी हो रहे हैं सुबह के 9 का हमारा दिन स्टार्ट हो चुका है और अब हम थोड़ा जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और लाली लगा के मेरी माँ भी हो गई है रेडी एंड वी आर ऑल सेट टू एक्सप्लोर। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट और हम ऑल सेट है अपना ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलो मम्मा एक बारी ये प्लीज बताओ, आलू के पराठे। सो भाई यहाँ पे स्टे के लिए आया और एक क्विक पूरा प्रॉपर्टी टूर पूरा दिखाना तो बनता ही है, नहीं तो उसके बिना ये ट्रिप अधूरा है और ये व्लॉग भी। सो हियर गोज द फुल टूर ऑफ राम बिहारी पैलेस विच इज़ इन अलवर राजस्थान। दिस इज सिचुएटेड इन अरावली हिल्स और एकदम हिल्स के ऊपर है। द लुक इज़ अमेजिंग, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक बालिका वधुका सेट एंड दिस इज़ द एंशियंट हेरिटेज प्रॉपर्टी। So this palace is almost 300 years old and yes, you got it right. Also the best part is this is a perfect place to stop because ye golden triangle ke beech mein aata hai. The golden triangle is Delhi, Agra and Jaipur and I think this is the best place agar aap kahin bhi travel kar rahe ho, you can definitely take a stop and visit this beautiful property. Is property mein jab aap stay karte ho you will फील यू गेट द वाइब्स ऑफ राजपूत किंग्स, जैसे वो लोग हवेली में रहते थे। इन्होंने ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए एग्जैक्टली वैसे ही रूम्स वैसे ही पूरा एरिया अपना वैसा बना रखा है। सो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट लग्जरियस अफोर्डेबल होटल टू स्टे इन। ऑल्सो लेट मी गिव यू द आइडिया ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग, यहाँ पर आप अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हो। यू कैन टॉक टू द टीम, दे हैव ऑलमोस्ट 23 to 30 रूम्स। ऑल्सो अभी और भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बाकी के रूम्स भी आप लोग रेंट आउट कर सकते हो एंड यू कैन गिव अ प्रॉपर हेरिटेज फील टू योर वेडिंग। सो दिस इज द ग्रैंड हवेली काइंड ऑफ अ एंट्रेंस, जस्ट लुक एट द फर्नीचर दे हैव यूज्ड। यहाँ से एंट्री करो, ये रिसेप्शन एरिया है। सर ने हमारी काफ़ी हेल्प की और बहुत अच्छा स्टे था। और यहाँ पर सबसे पहले आप जब एंटर करोगे तो यहाँ पर आओगे अपनी कीज़ के लिए और उसके बाद यहाँ से आप इस तरफ जाओगे। सो यहाँ से ये हॉलवे है और यहाँ से इस तरफ आपका सिटिंग अरेंजमेंट खाने पीने का। और यहाँ पर मिलिए नरेश जी से। हेलो, कैसे हो आप? अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो? बस बढ़िया। और सारे मेरे फॉलोअर्स को एक बार ही हाय, और यहाँ का तो खाने के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा खाना मिलता है। मैम यहाँ पे वेजिटेरियन है, इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल थाई का खाना मिलता है। अच्छा, तो मुझे आज मेरा दूसरा दिन है और इन्होंने पूरा खाने पीने का ध्यान रखा और मुझे कल से एक एक बढ़िया चीज़ें खाने को मिल रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने नहीं खिलाई हो। और यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन है, ये कोशिश करते हैं कि एथनिकसिटी को मेंटेन करके रखे और जिस वजह से प्योर वेजिटेरियन मिलता है एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा है। इफ़ यू गाइस कम हियर यू शुड डेफिनेटली स्टे, करो ना करो बट यहाँ पर खाना ज़रूर खाने आना बिकॉज यहाँ का खाना बेस्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम मैम, सी यू, बाय। इस प्रॉपर्टी में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया, द आर्टिस्टिक वॉल, द लो बालकनीज एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हवेली। सो लेट मी क्विकली गिव यू अ टूर ऑफ दिस हवेली। दिस स्टेयर्स लीड्स टू ऑल द रूम्स एंड द डाइनिंग एरिया, प्लस यहाँ पर आगे जो आपको बड़ा सा दरबार वाला जो गेट दिख रहा है, आप इसके थ्रू जाओगे तो यू विल बी इन द लैप ऑफ नेचर। जस्ट लुक एट द व्यू, दिस इज़ अरावली हिल्स। येस, दिस होटल इज एग्जैक्टली इन बिटवीन ऑफ अरावली हिल्स, एकदम हिल्स के बीच में पड़ता है ये होटल्स। लाइक जब आप इस रोड पर आ रहे होगे यू विल नॉट सी द होटल कहीं पे भी, और ये होटल एकदम पहाड़ों के बीच में जाकर आपको कहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द कॉरिडोर फॉर द रूम्स, ये सारे रूम्स है और इन रूम्स के बीच में डाइनिंग एरिया है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इन्होंने रूम को कितने अच्छे से नाम दे रखा है ताकि ये सारे रूम को आइडेंटिफाई कर सके, ना कि रूम नंबर 1, 2 ऐसा नहीं है, अलग से इन्होंने नाम दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो इसका नाम है कनक महल, ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है और हर रूम से बालकनी और व्यू इज़ रिमार्केबल। जस्ट
अब जब से मैं इधर आई हूँ मुझे लग रहा है इधर का वेदर अच्छा है। इसे देखो ये क्या, मतलब दिल्ली में तो कभी ये चीज़ देखी नहीं। इधर का वेदर अच्छा है कि मेरे आने पे ये मौसम अच्छा हो रहा है। सो दिस इज़ द स्टेयरकेस टुवर्ड्स द पूल एरिया एंड अगर आप यहाँ पर शादी करते हो यहाँ पर आप हल्दी का फंक्शन या फिर मेहंदी का फंक्शन भी कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एफिनिटी पूल, ऑल्सो अ ज़ीरो एज पूल। यहाँ से आप प्रॉपर्टी प्लस नेचर का पूरा व्यू ले सकते हो एंड यू कैन फील योर सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ नेचर। Before I end this video, I just wanted to quickly talk about this property. This is surrounded with lakes and hills. Also, आपने room tour मेरी last video में देखा होगा. If not, please go and check out the last video. Also, the food and the services here is just top class. This is the luxurious heritage hotel. I hope आपको ये video पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो make sure you like, share and subscribe to my channel. और अगर आपको ऐसी और videos देखनी हैं तो please मुझे comment करके बताओ कि आपको exactly कैसी videos पसंद है. और इस प्रॉपर्टी के बारे में मुझे ज़रूर बताना इन केस अगर आप आते हो अलवर और राम बिहारी पैलेस में स्टे कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।